वेलकम एवरीवन, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल आपने देखा था कि मैं गोम्पा गया था, और गोम्पा जाते वक्त मैंने ये प्रे किया था कि प्लीज़ प्लीज़ बर्फ़ गिरा दो। बर्फ़ तो गिरा, लेकिन पहाड़ों में गिरा। अनफॉर्चुनेटली मैंने भगवान को ये नहीं बोला था कि एड्रेस एग्जैक्ट मेचुका टाउन के एड्रेस में गिरा दो, मुझे बोलना चाहिए था। एंड या आज मैं जाऊँगा घूमने गुरु नानक, उसके बाद जाऊँगा सिरगिंग विलेज, सिरगिंग विलेज के बाद जाऊँगा दार्जिलिंग, और मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँगा और मैं जाऊंगा यहाँ के ओल्डेस्ट गोम्पा में, जिसके पहाड़ से पूरा मेचुका का और मेचुका के आसपास जितने ही विलेजेस है उसका व्यू दिखता है। तो देखते हैं आज के दिन क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या एक्साइटिंग देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सिंगबीर विलेज। एक मेरी बहन रहती है, मैं उनसे मिलने जाऊँगा अभी सिंगबीर विलेज में। ये मेचुका से बस 2 किलोमीटर की ही दूरी पर है। उसके लिए आपको गाड़ी को बाइक को पार्क करना पड़ेगा, उसके बाद इस हैंगिंग ब्रिज से जाना पड़ेगा। ये हैंगिंग ब्रिज पता नहीं मजबूत है कि नहीं, बट मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों। डर से मुझे नफरत है यार, एडवेंचर से प्यार, डर से नफरत। मेरा नाम रेन सिंह, और ये ब्रिज बहुत ही हिल रहा है, पता नहीं क्यों हवा आ रहा है। पानी भी कितना साफ है और व्यू भी कितना अच्छा है। और क्या चाहिए यार जीने को। यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है इंटरनेट। BSNL नेटवर्क भी जैसे तैसे पकड़ता है कॉलिंग के लिए, बस उसमें इंटरनेट नहीं होता। तो यहाँ के जो भी इंचार्ज है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे इंटरनेट लेके आएं, ताकि इस ब्यूटीफुल जगह को बाहर के सभी पूरा जो दुनिया है वो जाने और एक्सप्लोर करने आए मेचुका को। तो प्लीज़ 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 मेरे और मेचुका वासियों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इंटरनेट लेके आइए। और ब्रिज ख़त्म हो गया, मेरा भी गला ख़राब होना शुरू हो गया है। और ये है सिंगबीर विलेज। आई एम इन लव विद दिस प्लेस। जो यहाँ की पाइन ट्री की स्मेल है बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आप लोग आ जाओ, अगर आप लोग के लाइफ में टेंशन चल रहा है तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपका टेंशन जो है वो भाग जाएगा। मेरे लाइफ में टेंशन नहीं चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लाइफ में टेंशन ना चले, इसलिए मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने आया, ताकि आप लोगों को भी दिखे कि मैं कितना टेंशन फ्री हूँ। वो सिंगबीर, आई एम कमिंग। सो जो पिंक वाला घर दिख रहा है वो है मेरी बहन दालोम का घर। और यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट झंडा बहुत ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। कहाँ से खुलता है यार ये। और पर्सनली मुझे भी बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पहना हुआ ये खंजर। और ये मेरी बहन का घर आगे। हेलो, हाय। दालोम, दालोम, मैं आ गया। Your brother is back. और ये ऐसा दिखता है कुछ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट घर, मेम्बा घर ऐसा दिखता है। और इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बुकारी, बुकारी, बुकारी ना, हम पहले से बुकारी बुकारी बोल रहे हैं। और काफी सुंदर घर है। और एक चीज़ जो मुझे मेचुका में सबसे अच्छी लगी वो है ये, किसी भी घर के आप खिड़की में जाओगे तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा, पहाड़ में बर्फ़ वाला पहाड़। इवन अभी थोड़े दिनों में अगर बारिश आएगा तो यहाँ पे भी पूरा बर्फ ही बर्फ होगा, बहुत ही सुंदर है। आंटी, आंटी, ये क्या पक रहा है? चिप्स चिप्स बना रहा है। ओके, तो देखिए ये है आलू, जैसे लोकल चिप्स बनेगा। और ये है बुकारी, यहाँ पे खाना पकता है, हम आग की गर्मी का मजा ले सकते हैं। और ये है उसका चिमनी, ये ऊपर जाके घर के बाहर से निकल जाएगा जो उसका धुआं है, तो घर के अंदर कुछ भी पॉल्यूशन नहीं रहता है। वैसे पॉल्यूशन होता नहीं, लकड़ी का है, बट स्टिल अंदर धुआं नहीं रहता है। और एक बात तो है, आपको मेचुका में हर लोग काम करते हुए दिखेंगे, किसी को भी आप लेजी से ऐसे ही बैठते हुए नहीं दिखोगे, हर कोई ना कोई काम कर रहा होगा या फिर कर रही होगी, जैसे कि ये मेरे बहन लोग। और यहाँ पे आपको हर घर में एक भगवान का एक अलग सा रूम देखने को मिलेगा, जिसमें
पूरा रूम भगवान के लिए डेडिकेटेड होता है और ये पूरा रूम में बस प्रेयर होता है। इस पूरे रूम में, हमारे रूम में अक्सर होता है ना कि कोने में हम एक भगवान का मूर्ति रखते हैं या फिर पोस्टर रखते हैं, उसके बाद उसमें दिया अगरबत्ती रखते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पूरा पूरा का पूरा रूम भगवान जी के लिए समर्पित होता है। आफ्टर 30 ईयर्स, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, 50 के ऊपर का हो जाऊँगा, तब मैं यही आके सेटल हो जाऊँगा। मैं चुका तो अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा की ओर। स्लो है आदमी, लोग और यहाँ पे हम दौड़ते हुए मजा आ रहा है, क्योंकि देखो ठंड है और मैंने सिर्फ ये खंजर पहना है, तो बॉडी को गर्म रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। और आपसे दौड़ते दौड़ते बात करते हुए मैं बहुत थक गया, इसलिए अभी मैं चलूँगा। ये रास्ता जो है तख्ते का है, तो स्लिप हो सकता है, इसलिए ध्यान से चलिएगा भाई लोग, बिडू लोग और उन भाइयों के बहन लोग। कमरिया हिला दे हिला दे। ये वाला है क्या? वो जो गुफा जो, ओके तो ये वही गुफा है, तो ये वही गुफा है जहाँ पे लोग कहते हैं कि जो लोग पापी होते हैं वो लोग इसके अंदर से नहीं घुस सकते। तो लेट्स चेक कि मैं पापी हूँ कि नहीं। अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, फ्लैश ऑन करेगा। ओके तो ये बहुत ही पतला गुफा है, जैसे कि आप देख सकते हो। आई कैंट इवन ब्रीथ। मोबाइल गिरने से पता नहीं, मोबाइल नहीं गिरेगा, चिंता मत करो। और इससे कैसे निकला जाए? ओके लेट्स सी, मैं निकल पाता हूँ। यस, मैं पापी नहीं हूँ। यस अंदर से यार। पापी नहीं है वो। मैं पापी नहीं हूँ, आई एम प्योर। थैंक यू भगवान। हाँ, सीधा सीढ़ी है, इसमें कुछ भी स्लोप नहीं है, स्लोप नहीं बना हुआ है। तो ओके इस पतले वाले केव से हम आए हैं। ये सभी इन सभी लोगों ने पार कर दिया, मतलब हम सभी पापी नहीं है। और सीढ़ी देख सकते हो आप, पूरा सीधा है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मज़ा आता है। गुफा से हम निकले हैं, इसमें तो सबूत मिल गया कि हम पापी नहीं है, बट और एक टेस्ट देना है हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बड़ा सा होल है अंदर, इसके यहाँ पे पानी है और इसके अंदर बहुत सारे पत्थर हैं। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो आपका दिल साफ़ है, आप अच्छे इंसान हो। अगर काला पत्थर निकला तो आप काले इंसान हो, आपका नीयत ख़राब है। अगर ब्लैक एंड वाइट निकला तो आप न्यूट्रल हो। तो चरण, कैन यू प्लीज होल्ड द कैमरा? ओके तो मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, अभी आपको लग रहा है कि इसके अंदर सभी सारे यही पत्थर है। ये जगह बहुत ही एडवेंचरस लगा मेरे को, पता नहीं क्यों। छोटा सा जगह है बट एडवेंचरस है। ये वाला पार्ट जो है, गुरुद्वारा वाला जो पार्ट है, अच्छा लगा मुझे। आगे है द झरना। एक्चुअली ये एक ऐसा वाटरफॉल है जिसमें
जिसके अंदर से पास करने से हमारा पाप धुल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले काला पत्थर उठाया था, तो अगर आपने काला पत्थर उठाया तो आप इस तरह से पास कीजिए, पानी आपके माथे में गिरना चाहिए तो आपका पाप धुल जाएगा। बट मैं नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, ये जनवरी का महीना है ऊपर से। तो गाइस अगर आप मिर्ची पाते तो इस जगह पे भी ज़रूर विजिट करना। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ गुरुद्वारा बनाया है। एक्चुअली कहा जाता है कि 1586 के आसपास में यहाँ पे हमारे जो गुरु नानक जी है वो रुके थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन किया था, ये उनका तप स्थान है। ओके, अंदर भी केव है, एक पत्थर का कुछ बना हुआ है और गुरु नानक जी को यहाँ के जो लामा हैं और यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो लोग भी मानते हैं। और ये केव जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे मेडिटेशन करते वक्त गुरु नानक जी और उनके दो साथी थे और कहा जाता है कि यहाँ पे भालू उनको अटैक करने आ गए थे, बट वो लोग अपने आप हवा में उड़ने लगे और भालू से बच गए। और कहा जाता है कि जब वो लोग अपने आप उड़ने लगे तो ये जो आपको बड़ा बड़ा होल दिख रहा है ना, ये उनके पगड़ी के निशान है, ऐसा कहा जाता है। और अब मैं गुरुद्वारा से बाहर निकल रहा हूँ और अब मैं आप सभी को ले जाऊँगा मेचुका के सबसे बड़े और सबसे पुराने गोम्पा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेचुका एक बॉर्डर एरिया है, इंडो तिब्बत बॉर्डर एरिया है। तो जितने भी हमारे यहाँ की इंडियन आर्मी से उनको बहुत बहुत बड़ा सल्यूट कि वो हमारी सेवा कर रहे हैं इतनी ठंड में, इतनी मुश्किल जगह में। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये खच्चर, ये लोग काम करते हैं, इनसे काम करवाया जाता है और ये बहुत ही प्यारे हैं दिखने में। और ऊपर से भी कुछ खच्चर काम करते हुए आ रहे लकड़ी लेके। ओके, ये लोग हैवी लोड उठा रहे हैं, बहुत सुंदर है ये लोग। ये क्या बोलते हैं इसको आप लोगों का भाषा में? ताता। ताता मेम्बा में ना। ओ, इसका नाम रखा है आप लोग इसका? इसका कर्मा। कर्मा, हाय कर्मा। अभी ये लकड़ी ये लोग उठा के टाउन तक लेके जाएगा? यहाँ से गाड़ी ले जाएगा। वो गाड़ी ले जाएगा ना, वो सिर्फ पहाड़ से इन लोग नीचे ना आया ना। ओके, मकान बनाने के लिए, मकान। मकान मेचुका में तो मकान ये से ही बना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेचुका के जो घर है वो लकड़ी का बनता है, तो वो जो लकड़ी पाइन ट्रीज कटिंग होता है पहाड़ों में होता है और पहाड़ से लोड उठा के ये लोग यहाँ तक लेके आते हैं और ये लकड़ी अभी टाउन जाएगा गाड़ी से। गुड जॉब कर्मा। और इनका नाम क्या है? इसका नाम रुंगले। रुंगले, बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम मैं लेंसिंग रख देता हूँ, आपका नाम लेंसिंग अभी से। सेल्फी। अरे सेल्फी। क्या मैं आपको उठा के पासीघाट ले जाऊं? क्या मैं ले जाऊं आपको? और ये उनके पापा, पापा पापा पापा। और ये उनकी मम्मी, पूरा फैमिली ब्लैक कलर का है। और ये पूरा फैमिली इनका। फिलहाल तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा, और गोम्पा से और भी सुंदर दिखता है ऐसा मैंने सुना है। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो। अभी बारिश की वजह से रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं और ऐसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आप हर चीज़ बाइक या फिर गाड़ी से करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा मेहनत करो। तब अब जब मेहनत करके आप जब जिस जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, तो उसका जो खुशी है, जो इम्पोर्टेंस है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होता है और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। तो गाइस मैं मेचुका के सबसे पुराने और सबसे बड़े गोम्पा के पास पहुंच गया हूँ। यहाँ से पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको मेचुका और मेचुका के आसपास जितने भी विलेजेस है उसका। ये देखिए, ये रिवर, ये रिवर आगे जाके आलो में योमगो रिवर बनता है। और आगे में जो ग्रुप इकट्ठे में घर दिख रहा है ना, वह है मेचुका। और ये आसपास के विलेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो विलेजेस काफ़ी फैला हुआ है। क्या जगह है यार। ताशी दिले एवरीवन।
और ये मेचुका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मॉनेस्ट्री। हाय, कैसी दिल्ली? आपका नाम क्या है? हप्पा। आपका नाम हप्पा है? तो आप जो टाउन से इतना ऊपर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये बच्चा शर्मा रहा है, ये पहले जो पेमा खंडू मिला था ना पिछले एपिसोड में, उसकी तरह नहीं, ये थोड़ा शर्मिला है। अब हम एंट्री करेंगे गोम्पा के अंदर। ओके, तो ये एंट्रेंस काफी हद तक घर की तरह है दिखने में, घर का जो डिजाइन होता है वैसे ही है। तो ये है अंदर का नजारा। ये है पहला जमुना, जमुना में एक बार ये गोम्पा अब जुड़ गया ना जी, ये अपना पैर से खुद निकल के बैठा है। ओ, तब तीन छेजी लिंग पकड़ते जी, छेजी लिंग पा, और बाकी मूर्ति लोग सब आग जल गया जी, और ये सिर्फ बाहर में निकल के बैठा है। ओके, ये है सिंबल रक्षित नंबर है जी। गुरु है गुरु रिम्पोछे पेमा संपा गुस्सा का रूप में ये चलता है। नौ माता हाथ 18 है। ओके, ओके, भगवान जी का बहुत सारा कंपार्टमेंट है। तो शिव शंकर का, शिव शंकर का, शिव शंकर। ओके, ओ जी, चादर बताइए। चादर जी, समझा, चादर, चादर, चादर। ओके, उनका बात में और हिंदी बात शिव शंकर। ओके, हिंदी में शिव शंकर ना जी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सांप भी है। सांप भी है जी, और ये शिव शंकर का कोई आर्मी लोग आएगा तो यहाँ में दूध लेके रहता है जी। शिवलिंग है ना जी, ओके, ये शिवलिंग भी है यहाँ पे। ओके, ये नया है मेरे लिए कुछ, है ना। ये तो लक्ष्मी है, हम लोग का लक्ष्मी, लक्ष्मी चला गया ना जी। ये हिंदू का लक्ष्मी दिवाली का है ना जी, हम लोग दिवाली का ये मूर्ति है जी। सोंगा बा, हम लोग का बात बोलने सोंगा बा, सोंगा बा, सोंगा, सोंगा बा जी, सोंगा बा, सोंगा बा। ये क्या है? किताब, किताब, किताब है पुराना किताब। हम अपने टूटे अपने देखने के लिए यहाँ में एक दो सैंपल ना, ये ओके, ये अपना हाथ से लिखा, खुद अपना हाथ से लिखा वाला, और ये कागज भी अपना नकल कागज। ओके, ये हाथ से लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है। वाह, हैंडराइटिंग तो इतना सीधा, ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट किया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है वैसे? ये चमजन दे पर प्रेयर है क्या? प्रेयर है क्या? प्रेयर, पहले अपना नकल कागज बनता है ना। ये तो बहुत साल पुराना लग रहा है। बहुत साल पुराना, कितना होगा कम से कम? ये 400 साल में आग जल गया ना जी, पहला आग जल गया, फिर टिबेट से लेके आया वाला है, अभी भी बस ऐसे खराब हो गया। तो ये भी मतलब 200-300 साल तो पुराना, 400 साल पुराना आगे होगा, 400 साल से भी पुराना है, टिबेट से लेके आया। ओके, तो अब यहाँ से वापस उतरेंगे आप। और ये था मेचुका का गोम्पा। ओके, तो ये गोम्पा के जो केयर टेकर है उन्होंने हमें अंदर इनवाइट किया है, बोल रहे हैं कि आग सेक लो, बहुत ठंडा है। और यह सच में, और बारिश भी हो रही है, और यहाँ की प्यारे गाय, बाल थोड़ा एक्स्ट्रा होता है इनके, उसमें मा। ओके, तो ये यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और कुछ तो मिल रहा है पीने में, पीने के लिए। और इस चीज का नाम है बटर टी। किस किस का रूम में नाम, नाम बत... कोनियर का, कोनियर का रूम में बैठा है कोनियर का। ओके, गोम्पा। और आप लोग गोम्पा का इतनी अच्छी तरीके से देख रेख कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये है बटर टी, इसमें डाला जाता है घी और नमक और दूध, बहुत टेस्टी बनता है। और ठंड में आग के सामने बैठ के बटर टी पीने का मजा ही कुछ और है, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच अंदर। ओके आंटी, थैंक यू सो मच, मिलके अच्छा लगा, टाटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच चाय के लिए। अच्छा, फिर से दोबारा फिर से आऊंगा जब आ जाए। ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद लेने आते रहेगा दोस्तों को भी लेके आएगा आंटी, आप लोग से मिलवाएगा जी। आंटी, आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। ठीक है आंटी, अच्छे से बैठिए ना, टाटा।
ओके गाइस, अब हो रही है बारिश. ओके अंकल, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे. थैंक यू. ठंड लग रही है मुझे, ठंड लग रही है मुझे. दोस्तों कल बहुत रात हो गया था इसलिए मैं दार्जिलिंग विलेज नहीं ले पाया था आप सभी को. बट जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे है ये है दार्जिलिंग विलेज. छोटा सा विलेज है, प्यारा सा विलेज है. और यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन भी चल रहा है. मेन टाउन में देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ देखने को मिल रहा है. कुछ कल्टीवेशन भी चल रहा है और आगे भी सब्जियों का कल्टीवेशन था. तो मेरे ख्याल से विलेजेस के अंदर ही कल्टीवेशन वगैरह होता है, टाउन में नहीं दिखेगा आपको. एंड मेचुका में जितने भी विलेजेस है, नॉट ओनली मेचुका, अरुणाचल में जितने भी विलेजेस है, ओपन डेफिकेशन फ्री है. यानी कि यहाँ पे कोई खुले में शौच नहीं करते हैं, सभी टॉयलेट्स यूज़ करते हैं. सभी जगह जगहों पे अरुणाचल के, मेचुका के सभी जगहों पे टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल व्यू ऑफ तातो, जो कि सियोमी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिसके अंदर मेचुका आता है उसका हेडक्वार्टर है. और यहाँ पे बस एक ही चीज़ की कमी है, यहाँ पे और मेचुका में ऑब्वियसली एक ही चीज़ की कमी है, वो है नेटवर्क. नेटवर्क तो ठीक ठाक ही है कॉलिंग करने के लिए, बट इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं है. इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी इंचार्ज हैं नेटवर्क से रिलेटेड, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इस जगह पे आए और हमें इंटरनेट नेटवर्क दे, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है. मैं चाहता हूँ कि ये जो मेचुका और तातो की जो खूबसूरती है वो बाहर की दुनिया को भी पता चले. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.